उर्दू में, ठीक है, जो रिच डेड और पुअर डेड को लिखा है वो रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। अब चलते हैं समरी की तरफ। इसमें जो 7 पॉइंट्स है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नंबर 1, द रिच मेक देयर मनी वर्क फॉर देम। जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने पैसों को लगा लेते हैं किसी भी काम में ताकि वो पैसा उसके लिए काम करे, ना कि वो खुद पैसों के लिए काम करे। 2, फाइनेंशियल एजुकेशन इज योर ग्रेटेस्ट एसेट। आपकी जो फाइनेंशियल एजुकेशन है, तालीम है, वो आपका सबसे बेहतरीन असासा है, ठीक है। अब हमें पढ़ना चाहिए फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में, ज़रूर पढ़नी चाहिए और प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। डू नॉट वर्क टू अर्न मनी, वर्क टू लर्न। इसलिए काम ना करें ताकि कि आप लोगों को पैसे मिलेंगे, इसलिए काम करें कि आप सीखेंगे, और जब आप सीखेंगे तो आप उसको प्रैक्टिस में डाल दीजिएगा, तो इट विल बी इजी फॉर यू। 4, नो द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब असासा और जिम्मेदारियों के जो दो मुख्तलिफ है, इनके दरमियान जो डिफरेंसेस है वो जानने की कोशिश करें, ठीक है, कि असासा क्या है और आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। रिड्यूस योर स्पेंडिंग एज मच एज पॉसिबल। अपने अखराजात कम करें, जितना हो सके कम करें, ठीक है। 6, री इन्वेस्ट द प्रॉफिट्स यू मेक। दोबारा से कारोबार पे लगा ले अपनी जो प्रॉफिट्स है, जो आप बना रहे हैं उसी को दोबारा पे काम पर लगा दीजिए, ठीक है। डू नॉट रिले एक्सक्लूसिवली ऑन फाइनेंशियल एडवाइजर। और आप ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइजर पर भी जो है ना रिलाई ना करें। अच्छा ये होगा, अच्छा आप ये सही कह रहे हैं, अच्छा आप वो कह रहे हैं, नो। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है रिच डेड एंड पुअर डेड की जो समरी है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है।